अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। अल्लाह ताला आप लोगों को अपने अपने घरों में खुश रखे, आबाद रखे। और जो है रमज़ान हमसे जो है रुख्सत हो चुके हैं, और आप सब लोगों को जो है ईद मुबारक। और जहाँ जहाँ ईद मन चुकी है वहाँ उन सब लोगों को भी ईद मुबारक। और पाकिस्तान में जो है कल इंशाल्लाह जो है ईद होगी, सो उन सबको भी ईद मुबारक। और अल्लाह ताला सबकी जो है ईद बहुत अच्छी गुजराए। और ये कि ईद की शॉपिंग जो है चलती रहती हैं, सो बस मैं भी जो है इस वक्त जो हूँ डॉलमन मॉल में हूँ, और मुझे जो है कुछ चीज़ें लेनी थी, सो वो मैं ले रही थी। बट ये है कि मैं ये वीडियो लेट अपलोड कर रही हूँ, बट ये थोड़े दिन, एक दो दिन पहले की है। सो मैं जो है अपने लिए कुर्ती देख रही थी, बट कुर्तीज़ तो मैंने नहीं ली। अनस्टेज जो है मैंने सूट लिए हैं, तो वो वीडियो को आप एंड तक देखिएगा। और मैंने कुछ गिफ्ट्स भी लिए हैं, सो वो वीडियो को एंड तक देखिएगा और मैं उसमें दिखाऊंगी कि मैंने क्या क्या शॉपिंग की है। सो बस इस वक्त जो है हम सना सफीनास के जो है आउटलेट पर थे, और मैं देख रही थी कि क्या लेना चाहिए और क्या नहीं लेना चाहिए। बस आप लोग मुझे बताइएगा कि आप लोगों की जो है ईद की शॉपिंग कैसी हुई, आप लोगों ने क्या क्या बनाया। ईद की जो है तैयारियां होती ऐसी हैं एज़ कम्पेयर टू बकरीद। तो बकरीद इतनी ज़्यादा जो है तैयारियां नहीं होती, लेकिन ईद की जो है एक अलग ही बात होती है। एक 30 डेज़ बाद जो है हमें अल्लाह ताला की तरफ से इतना अच्छा जो है गिफ्ट मिलता है, इसको भरपूर तरीके से जो है एंजॉय करना चाहिए। बस अब मैं यहाँ पे जो है देख रही हूँ, और जो है जो है हम लोगों को जो है बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी, यहीं पर जो है मुल्ला जो है नहारी वाला है, वहाँ पर जो है हम लोग जो है नहारी खा रहे थे। मुझे जो है नली ये सब चीज़ें जो है पसंद नहीं है, मैंने इसलिए नहीं दिलवाई। ये मैंने आप लोगों से शेयर करना था वो मैंने कर दिया। इसके अलावा जो है ये नेक्स्ट डे का जो है क्लिप है, जिसमें मैं आप लोगों को जो है फ्रूट चाट बनाना बता रही हूँ। आई नो कि सबको जो है फ्रूट चाट बहुत अच्छी बनानी आती है, बट क्योंकि मैं बना रही थी मैंने आप लोगों से शेयर कर दी। इसमें जो है मैंने जो है डिफरेंट जो है फ्रूट्स लिए थे, जिसमें जो है मैंने आड़ू लिए थे, और जो है खरबूजा लिया था, सेब लिया था, अनानास लिया था, केला लिया था। और ये सब डिफरेंट फ्रूट्स थे। इसके बाद जो है अच्छे से जो है क्रीम को जो है विप कर लेना है, और विप करने के बाद जो है ठंडी क्रीम हो तो ज़्यादा बेस्ट है, क्योंकि अब फिर वैसे भी चिल तो करना ही होगा उसको चाट को। विप कर लेंगे। विप करने के बाद जो है अच्छे से विप करना होगा। उसके बाद जो है हम इसमें जो है शुगर को ऐड करेंगे। शुगर ऐड करने के बाद जो है उसको फिर दोबारा अगेन जो है विप करेंगे, और इतना विप करना है कि वो फ्लफ़ी सा हो जाए। और फिर वन बाय वन करके जो है हम सारे जो है उसके अंदर फ्रूट्स जो है ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद जो है ऊपर से गार्निशिंग के लिए जो है और किशमिश डाली थी, और इसके अलावा जो है चॉकलेट चिप्स डाले थे। इसको जो है अच्छे से चिल कर देंगे। मैंने तकरीबन ऑलमोस्ट 2 किलो की बनाई थी, क्योंकि ये मुझे बांटनी थी। ये मेरी अच्छी बनी थी, ऑनेस्ट रिव्यू दे रही हूँ। अगर आप लोगों को भी मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो मुझे लाइक करें और सब्सक्राइब करें। अब जो है मैं आप लोगों से जो है शो कर रही थी कि मैंने जो है क्या क्या लिया है। मैंने जो है कुछ गिफ्ट्स लिए हैं, कुछ अपने लिए भी शॉपिंग करी है। ये वीडियो जो है पहले बन चुकी थी, बट अपलोड मैं बहुत देर से कर रही हूँ। ये मैंने स्कार्फ लिया है, इसके जो है बॉर्डर बने हुए हैं, और ये इस तरह से जो है इसके जो है प्रिंट है। ये मैंने गिफ्ट के लिए लिया है। इसके अलावा मैंने जो है ये कुर्ती ली है, इसके जो है फ्रंट पे जो है फुल पे जो है एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है, और इस पे तरह जो है बूटियाँ पड़ी हुई हैं। और ये था, और ये इसका जो है बैक है, ठीक है, ये इस तरह से है सही। इसके अलावा जो है मैंने ली है एक और कुर्ती, जिसके जो है नेक पे जो है काम हुआ हुआ है, और बहुत अच्छा काम हुआ हुआ है, डिटेलिंग वर्क है, और इसके जो है बंच बने हुए हैं फ्रंट पे, और ये जो है इसका जो है बैक है,
और ये जो है इसकी जो है स्लेब्स हैं। ये मैंने एक कुर्ती ली है और जो है ये मैंने जो है सफ़ाया का सूट लिया था, जो कि मुझे जो है टेलर को जो है लेके आना है। और ये आप देख सकते हैं, इंशाल्लाह जब भी ये स्टिच होके आएगा तो मैं आप लोगों को जो है शो कर दूंगी। अभी क्योंकि मैं बहुत जल्दी में जो है वीडियो बना रही हूँ, बस मैंने सोचा कि आप लोगों को जो है दिखा दूँ। ये एक सूट लिया है और एक जो है ये लिया है, लॉन का सूट है ये। इस पे जो है गले पे भी जो है हल्का सा जो है डिटेलिंग जो है वर्क हुआ हुआ है। वो भी जो है मैं जब स्टिच होके आ जाएगा तो मैं इंशाल्लाह आपको ज़रूर शो करूँगी। इसके अलावा जो है मैंने एक कुर्ती ये ली है, ये शायद मैं अभी ना सिलवाऊँ, देखूँगी कि सिलवाया तो सिलवाया, अदरवाइज नहीं। और ये जो है स्कार्फ था और ये जो है शर्ट थी और ये भी शर्ट थी। अब बस मैं जो है इन सबको जो है पैक कर रही हूँ और टैग इन पर लगा रही हूँ। ये मेरी जो है शॉपिंग थी। अब जो है हम लोग जो है सैरी करने जा रहे थे, मैंने सोचा ये लास्ट सैरी है इस रमज़ान की, तो क्यों ना बाहर की जाए और अल्लाह ताला जो है बस हमारी जो है सारी इबादत को जो है कबूल करे और हमें जो है रमज़ान के अलावा भी जितने मंथ्स होते हैं उसमें भी जो है हमें इबादत की तौफीक अता फरमाए, आमीन। और बस मैं जो है यहीं पे जो है अपना व्लॉग एंड कर रही हूँ। आई होप आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा और एक दफ़ा फिर आप सब लोगों को जो है ईद मुबारक, और मुझे अपनी जो है दुआओं में याद रखिएगा। फिर इंशाल्लाह हाज़िर होंगी एक नए व्लॉग के साथ। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल बटन पर क्लिक कीजिए ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहुँच सके, और मुझे जो है इंस्टाग्राम पर फॉलो कीजिए शिव व्लॉग के नाम से। अब तक के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।